तीन दिन में हो जाएगी, चार दिन में हो जाएगी, सपोज करो पहला चैप्टर है, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ऊपर आपका ध्यान कभी भी नहीं जा पाता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, तो बेटा इनऑर्गेनिक का एक चीज का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक में, कि आप रोज रात को सोने से पहले आधा घंटे फिक्स कर लीजिए, 30 मिनट फिक्स 30 मिनट जो है आप इनऑर्गेनिक को दोगे। आप जो अलग से टाइम दे रहे हो वो तो आप दोगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लस 30 मिनट्स आप किसको दोगे, इनऑर्गेनिक को दोगे। समझ में आ गया? जो भी आपको पढ़ाया गया है, वो आप रोज रात को 30 मिनट्स पढ़ोगे। और कैसे पढ़ोगे? जैसे सपोज करो आपकी वीक में मान लो 5 क्लास होती है, ठीक है, तो आज मान लो आपकी पहली क्लास हुई, आज सपोज करो आपकी क्या हुई, पहली क्लास हुई, तो आज की पहली क्लास का आपने 30 मिनट में पढ़ लिया, ठीक है, आपने क्या कर लिया, 30 मिनट में आपने पढ़ लिया, ठीक है, रात को। अब कल क्लास हुई, तो आप क्या करोगे, जो रात को आपने आज 30 मिनट में पढ़ा है, आप सुबह उठते से ही, उसको 5-7 मिनट में रिवाइज करोगे। कितनी देर में रिवाइज करोगे? 5-7 मिनट में रिवाइज करोगे, तो 30+5 भी आप रेशियो रखोगे, 30+5, 30 रात को सोने से पहले, 5 मिनट सुबह उठने के बाद, जस्ट उठने के बाद। समझ में आ गया? कोई काम नहीं करना, आप क्या करोगे उस समय, आप इनऑर्गेनिक को पढ़ोगे। समझ में आ गया? पहला काम। फिर पहली क्लास हो गई, अब दूसरी क्लास हुई, तो दूसरी क्लास हो गई तो जो आज पढ़ाया गया है उसको आप क्या करोगे, रात को आप 30 मिनट्स में पढ़ोगे। और पढ़ने के बाद में, समझ में आ गया, पढ़ने के बाद में आप जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था उसको भी आप पढ़ोगे। ये सब आपको 30 मिनट्स में करना है। कितनी देर में करना है? 30 मिनट्स में करना है। इससे क्या होगा, शुरू में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन होगा क्या कि आप कम टाइम में आप जल्दी पढ़ना सीखोगे। समझ में आ रहा है? आप कम टाइम में जल्दी जल्दी पढ़ना सीखोगे। अगेन उसको फिर आप क्या करोगे, सुबह 5 मिनट में पढ़ोगे। फिर जब थर्ड क्लास आएगी तो फर्स्ट क्लास का भी, सेकंड क्लास का भी, थर्ड क्लास का भी आप क्विकली पढ़ोगे, क्योंकि आप देखोगे कि मैक्सिमम तो क्वेश्चंस रहते हैं, मैक्सिमम थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, उसके बाद मैक्सिमम जो रहते हैं वो क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप ये काम करोगे। समझ में आ गया? ये टारगेट आपका रहेगा। अब जैसे ही आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आप एनसीईआरटी उठा लोगे। आप क्या कर लोगे? एनसीईआरटी उठा लोगे। समझ में आ रहा है? और एनसीईआरटी को पढ़ना है नहीं, एनसीईआरटी को उठाओ और बस लिख डालो, एक तरफ से एनसीईआरटी को लिख डालो। समझ में आ गया? आप अपनी कॉपी उठाओ, अपनी नोटबुक उठाओ, एक अलग से नोटबुक बनाओ, एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक, और आप क्या करोगे कि एक तरफ से आप लिख डालो। समझ में आ रहा है? 3 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, सपोज करो पहला चैप्टर है, 3 दिन में लिख पाओगे, 4 दिन में लिख पाओगे, 5 दिन में लिख पाओगे, तो आप इस तरीके से क्या करोगे कि आप उसको लिख डालोगे। क्लियर है? एनसीईआरटी को आप लिख डालोगे बिना कुछ, मतलब आप ये समझो बस आप कॉपी कर डालोगे, जैसे आप कॉपी करते थे ना वैसे आप कॉपी कर डालोगे। क्लियर हो गया? पहली बार आपने कॉपी कर डाली, क्लियर हो गया? अब दूसरी बार फिर से आप कॉपी कर डालो, आप एनसीईआरटी को कॉपी कर डालो। जब आप दूसरी बार कॉपी कर डालोगे, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ऊपर आपका ध्यान कभी भी नहीं जा पाता है। समझ में आ गया? ऐसा कब होगा? जब आप सेकेंड बार एनसीईआरटी को लिखोगे, तो 30+5 और दूसरी तरफ आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को लिख डालोगे। इतना काम आप जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए आप करिए, इनऑर्गेनिक आपको बहुत ज्यादा ग्रिप में आ जाएगी, क्लास के जो आपके टीचर हैं, रिस्पेक्टेड टीचर हैं, आप उनके नोट्स को ही फॉलो करिए, उनको ही आप करिए। बस उसके बाद में जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के उस चैप्टर को आप दो बार कम से कम पूरा का पूरा लाइन टू लाइन आप उतार डालिए। जब आप अपनी कॉपी में उतार डालोगे, आप देखोगे, आप खुद देख के दंग रह जाओगे। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको सर ने क्लास में भी पढ़ाए हैं, जो आपके नोट्स में भी हैं, जो एनसीईआरटी में भी हैं, लेकिन कभी आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स हैं,
समझ में आ गया, छुपे हुए पॉइंट्स हैं जो आपको जब आप दूसरी बार एनसीईआरटी को लिखोगे तभी हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था